मॉर्निंग प्राइम टाइम मेरे साथ 8 बजने वाले हैं और आज की बड़ी खबर यानी लगातार किसान आंदोलन पर बड़ी कवरेज आप सिर्फ देख रहे हैं जी न्यूज पर। आज किसान आंदोलन का 18वां दिन है और किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जी न्यूज के मंच से बड़ा खुलासा किया। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच पहली बैठक में कुछ किसानों ने ज्ञापन देकर देशद्रोह के आरोपियों को रिहा कराने की मांग की थी। वहीं आज की बड़ी खबर ये कि राजस्थान से किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर दिल्ली कूच करने वाले हैं और दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की योजना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जी न्यूज से खास बातचीत में क्या खुलासे किए ये हम आपको थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज क्या क्या होगा। तो बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के किसानों का आज दिल्ली कूच है। आज दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे किसान। राजस्थान के शाहजहांपुर से ट्रैक्टर मार्च किसान निकालने वाले हैं। ट्रैक्टर मार्च से पहले अलवर में किसानों की एक सभा होगी और फिर सुबह 11 बजे होगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू। यह आज की बड़ी खबर है। इसी को लेकर हाईवे पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि कल कई ऐसे टोल प्लाजा जहां पर फ्री करके किसानों ने अपना कब्जा वहां पर जमाया, जिसके बाद से अब और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है क्योंकि राजस्थान के किसानों का आज दिल्ली कूच है। आज दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे किसान। ये बड़ी खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी आज की। राजस्थान के शाहजहांपुर से ट्रैक्टर मार्च निकालना है किसानों को और उससे पहले अलवर में आज किसानों के संगठन जो है राजस्थान के इस मार्च से पहले जुटेंगे और सुबह 11 बजे से फिर शुरू होगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। यूपी गेट से रूफी जैदी, NH 8 से प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ है। प्रमोद, क्या व्यवस्था सुरक्षा की गई है क्योंकि किसानों की पहले सभा होगी फिर 11 बजे उनकी ट्रैक्टर रैली शुरू हो जाएगी, ट्रैक्टर मार्च शुरू हो जाएगा राजस्थान से दिल्ली। बिल्कुल पायु दी, जो DCP मैनेजर है उन्होंने कल ही ये साफ कर दिया था कि 1000 से ज्यादा पुलिस बल NH 8 पे तैनात किया गया है। अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी टुकड़ियों के तौर पे पूरी तैयारी के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया है और किसी भी सूरत पे NH 8 को जाम नहीं होने दिया जाएगा, इसे बंद नहीं होने दिया जाएगा। और जितने भी टोल प्लाजा पड़ते हैं NH 8 पर उन सभी को जो है वो कवर पुलिस ने किया हुआ है। लेकिन अलवर में अपनी बैठक करने के बाद और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो ट्रैक्टर और ट्रॉली से जब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो उन्हें बीच में ही रोका जाएगा क्योंकि ट्रैक्टर से होंगे तो ऐसे में जहां पर पुलिस और किसान आमने सामने हो जाएंगे तो वो रास्ता बाधित होना निश्चित तौर पे तय है। तो पुलिस ने पूरी व्यवस्था की हुई है लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो है अब सबसे ज़्यादा है कि संख्या कितनी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में कल तक वो इकट्ठा नहीं हो पाए थे, इसीलिए आज का वक्त तय किया गया था और आज वो जब यहाँ आएंगे तो उसके उनको रोकने के लिए NH 8 के इस वक्त मैं खिड़की टोला टोल प्लाजा पे हूँ। अभी यहाँ पर स्थिति सामान्य है लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पर किसान पहुँचने लगते हैं तो इसे भी पुलिस जो है अपने कंट्रोल में ले लेगी, कवर कर लेगी और जितने भी आसपास के जो टोल प्लाजा है वहाँ पे पुलिस ने उन्हें कवर किया हुआ है और कुछ किलोमीटर की दूरी पर फिर पुलिस की एक बटालियन बैठी हुई है, पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई है, बैरिकेड के साथ बैठी हुई है, क्रेन लगी हुई है और ऐसे तमाम जो है इंतजाम किए हुए हैं कि किसानों को दिल्ली की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दिया जा रहा। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान से हरियाणा में ही किसानों को घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको वहीं पे ही रोक दिया जाएगा। गेट से मेरे साथ है प्रमोद, मैं आ रही हूँ फिर से आपके पास। रूफी, कल हमने देखा कि मेरठ, हापुड़ और नोएडा इनके टोल प्लाजा पर कब्जा कर किसानों ने उन्हें फ्री करा दिया, जिससे राजस्व को भी बहुत नुकसान होगा अगर एक दिन के आकलन की भी हम बात करें। आज क्या रणनीति है, आज क्या हालात है? किसान आज भी कमोबेश यही करना चाहते हैं लेकिन एक अपडेट ये है कि कल रात को जो दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है उसे खोल दिया गया। राजनाथ सिंह के साथ जब मुलाकात हुई किसान संगठन के नेताओं की, उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो चिल्ला बॉर्डर है दिल्ली नोएडा का उसे खोल दिया जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो। इस वक्त मैं यूपी गेट पर मौजूद हूँ, गाजीपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो किसान है इस वक्त वो नाश्ता कर रहे हैं और अपना जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने की रणनीति ये लोग तैयार कर रहे हैं। किसान फिलहाल किसी भी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं है। आप लोग आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे?
आंदोलन को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। हम चाह रहे हैं कुछ मांग पूरी हो, नहीं होता तो आंदोलन चलता ही रहेगा। ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे, फिर करेंगे माड़ा मोटा, करेंगे भी कुछ, पर चोट बांट के करेंगे को। तो पयोधी, यहाँ पर गाजीपुर पर जो किसान मौजूद है उनका ये कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो अब सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे बल्कि अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। रूफी, और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप इनसे भी और बात कर पाए, क्योंकि आपके साथ हम देख रहे हैं किसान हैं, उनसे ये जानिए कि जब कल दोनों केंद्रीय मंत्रियों के बाद किसानों का एक और दल है, एक और धड़ा जो इस बात को लेकर नरम पड़ रहा है कि अगर सरकार इस बात को राजी है कि वो संशोधन करेगी, लिखित में हमारी समस्याओं का समाधान वो करेगी, ये देने को तैयार है, तो फिर अब इन्हें क्या लग रहा है, क्या बाकी किसान भी इस बारे में सोचेंगे? जी पयोधी, बिल्कुल, हम किसानों से ही बात करते हैं और इन्हीं से ही जानने की कोशिश करते हैं कि अब ये क्या आगे सोच रहे हैं। किसानों का एक ऐसा दल भी है जो अब थोड़ा सा नरम रुख अपना रहा है, जो कह रहा है कि अगर संशोधन हो जाते हैं, लिखित में मांगे मान ली जाती हैं, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाएगा? संशोधन पर नहीं मानते, ये रद्द हो, संशोधन पे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे जी। आप भी कुछ कह रहे थे, संशोधन से नहीं मानेंगे, लेकिन अगर लिखित में मिल जाता है आपकी समस्या? लिखित में क्या है, लिखित में क्या है? एमएसपी की गारंटी, मंडियों को लेकर आपकी जो भी डाउट है, ये तो बिल्कुल क्लियर होगी। क्लियर क्या क्लियर है? हटके दबा रहे तो हो जा जी। 12 मांग तो मैं नहीं रहे, 12 पे तो संशोधन कर रहे, 3 एक्टर इन्हें हटाया, हटके दबा रहे तो बनाया दो। हाँ, ये तो क्लियर अगर होगा तो मानेंगे, अजय नहीं मानते तो बैठे बना। अच्छा, किसानों का जो एक दल है वो तो थोड़ा नरम भी पड़ रहा है, वो कह रहा है कि अगर संशोधन हो जाते हैं, लिखित में मांगे मान ली जाती हैं, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। जी नहीं। आप लोग क्या? नहीं, एक बात बताओ, जो हमें तो उम्मीद है नहीं कोई नरम हो रहा होगा, ये भी एक के नरम हो तो काम नहीं चलने का। अभी तो जितने भी दल है सारे एक ही बात पहले, भाई हटके दबा रहे थे या वापसी हो, कानून रद्द हो, हटके दबा रहे थे, नए कानून बने, और वो भी किसान की सहमति से बने, किसान ने बताया इसमें कितना नुकसान है कितना फायदा है। लेकिन आप सोचिए, कल भी बहुत सारे जो टोल प्लाजा थे उसको फ्री कर दिया गया, किसानों ने उस पर कब्जा कर लिया, बहुत नुकसान भी हुआ है उससे तो सरकार। सरकार को नुकसान तो होगा ही, आपको और हमको भी तो नुकसान हुआ है, जो डेवलपमेंट के काम है वो रुक जाएंगे, पैसा जो लगना था वो तो रुकेगा, तो इसे नुकसान को हटाने लिया तो करना कहना पड़ेगा ना। उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, हमारे किसानों का इतना नुकसान हो, हम तो कभी कहते नहीं हमारा नुकसान होगा, हम 6 महीने, एक हमें आज 17-18 दिन हुए गए यहाँ पड़े हो, पीछे कितना नुकसान है। सरकार सुनो, सरकार ना हमारा नुकसान नहीं दिखता, हमारा भी तो नुकसान देखेगी ना, सरकार कितना नुकसान होगा। हमारे पीछे औरत काम करें खेत में, हम यहाँ सीमा पर यहाँ पड़े, दिल्ली की सीमा पर हमारे बच्चे जो है बॉर्डर सीमा पर पड़े, मतलब नुकसान तो हमारा भी ज्यादा है ना, किसान तो ज्यादा नुकसान थोड़ा ही है। आप भी कुछ कहना चाह रहे? मेरा मतलब ये है, जैसे कल नुकसान हो गया, ऊपर वाले ने कर दिया, ओला गिर दिया, हमारी फसल बर्बाद होगी, तो हमें तो नुकसान झेलने की आदत है, हम तो नुकसान झेलते ही आ रहे पहले से, इसमें क्या नुकसान है? सरकार वही बात है, नुकसान दे रही तो मैडम हमारे बात में हम कह रहे थे कि अभी अगर किसानों का एक संगठन ये कहता है कि हम इस बात से राजी हैं कि सरकार अगर कहती है कि सकारात्मक रूप से बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, तो क्या धीरे धीरे अब जितने भी संगठन धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो भी इस बात को लेकर राजी होंगे या सरकार की तरफ से क्या अब कदम उठाया जाएगा? पूरा देश ये जानना चाहता है। साथ ही किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जी न्यूज के मंच से बड़ा खुलासा किया। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच पहली बैठक में कुछ किसानों ने ज्ञापन देकर देशद्रोह के आरोपियों को रिहा कराने की मांग की थी। मजदूरों सावधान, हमला होने वाला है, यह शीर्षक उस किताब का है जिसे सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच बेचने के लिए रखा गया है। इस बुक स्टॉल पर ऐसी कई किताबें हैं जिनसे समझा जा सकता है कि आंदोलन की आड़ में क्या साजिश चल रही है। साजिश कौन कर रहा है, इस स्टॉल को देखेंगे तो यह समझ पाना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। वही एक खास किस्म की टोली जिसे कोई शाहीन बाग गैंग कहता है तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानता है। जी न्यूज ने आपको दिखाया था कि दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के मंच पर देशद्रोह के 23 आरोपियों के पोस्टर लगे थे। ये किसान संगठन
दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद के साथ, भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और वरवरा राव की रिहाई की मांग कर रहा था। दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सोशल वर्कर, सच की आवाज उठाने वाला और बेचारा वक्त का मारा बता रहा था। अब सुनिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का खुलासा, जो उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत में किया। जी न्यूज पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह है कि किसान आंदोलन में शामिल एक किसान गुट ने सरकार के साथ पहली वार्ता के दौरान भी देशद्रोह के आरोपियों की रिहाई की मांग रखी थी। ये बात अक्टूबर की है। अब जब मैं एक एक मीटिंग की चर्चा देखता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि जब कोई व्यक्ति उस मीटिंग में मुद्दों की बात उठाना चाहता था, जब कोई व्यक्ति चर्चा की तरफ जाता था, तब बाकी जो प्रमुख लेफ्टिस्ट माओइस्ट नेता थे वो कैसे उस बातचीत को डिरेल करते थे, कैसे एक प्रकार से बातचीत के अंदर ही सबको डराने धमकाने का काम करते थे। ये नक्सल सोच ने इस आंदोलन को बिगाड़ा है, इस आंदोलन को अपने कब्जे में ले लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि आंदोलन में शामिल कुछ किसान नेताओं पर नक्सलियों का गहरा प्रभाव है और नक्सली सोच ही किसानों के इस आंदोलन का स्वरूप बिगाड़ रही है। पहली मीटिंग में ये विषय उठा कि इनको भी रिलीज किया जाए और करना चाहिए। बाद में शायद उनके ध्यान में आया कि अगर ये विषय उठाएंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो इसलिए उसके बाद रिटन डिमांड्स में तो ये विषय रहा है 13 नवंबर के उनके ज्ञापन पत्र में। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने किसान नेताओं को अपने कब्जे में रखने के लिए उन्होंने बात मीटिंग में नहीं उठाई, लेकिन मीटिंग की सब चर्चाओं को डिरेल करने का काम किया, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि किसानों की मांगे पूरी हो, वो तो चाहते ही नहीं है कि किसानों का भविष्य उज्जवल हो। जी न्यूज से खास बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ कहा था कि कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग किसानों को सुलह करने से रोक रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का अपना खुद का एजेंडा है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहां हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी पहले ही साफ कह चुके हैं कि किसान आंदोलन अब किसानों के हाथ से निकल चुका है, आंदोलन को शाहीन बाग गैंग हाईजैक कर चुकी है। ये आंदोलन के पीछे शाहीन बाग के गैंग पूरी है और आज ये साफ हो गया, उनके पोस्टर भी मिले। ये मतलब साफ है कि ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन नहीं रहा है। किसान आंदोलन पर हावी होता खास किस्म का एजेंडा, कुछ खास खास चेहरे, उन्हें समर्थन देने वाले भी खास किस्म की राजनीतिक विचारधारा, ये सब परत दर परत हट रही है। महाराष्ट्र की साइबर सेल पहले ही खुलासा कर चुकी है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग खालिस्तानी मूवमेंट को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मौके को टुकड़े टुकड़े गैंग भी भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन यहाँ एक बार हम फिर से साफ कर दें कि जी न्यूज किसान आंदोलन के साथ है। जी न्यूज चाहता है कि किसानों का हित हो, उनकी जो भी दुविधाएं हो तो बातचीत के जरिए हल हो जाए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन अन्नदाता का हक है, लेकिन इस शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में कोई देश को अशांत करने की साजिश न रचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।